सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डेडपुल के डिलीटेड कैमियो के बारे में इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिलीज होने से पहले इंटरनेट पे काफी सारे ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे थे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें डेडपुल भी देखने को मिल सकता है, पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑफकोर्स हमें डेडपुल देखने को नहीं मिला। और इस कैमियो से रिलेटेड अभी ऑफिशियली मार्वल ने कमेंट भी किया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा मार्वल ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि थैनोस के बाद कौन सा करेक्टर मार्वल के अंदर नेक्स्ट बिग विलन होने वाला है या नेक्स्ट बिग बैड होने वाला है, इसको भी मार्वल ने कंफर्म कर दिया है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में ही मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। सो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को प्लीज देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चले सीधे पॉइंट पे आते हैं और डेडपुल के कैमियो के बारे में बात करते हैं इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर्स ने अभी काफी सारे इंटरव्यूज किए, जहां पर उन्होंने जितने भी कैमियोज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रूमर्ड थे उन सारे कैमियोज के बारे में बात की। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर्स ने ये कंफर्म किया कि दे वर डिस्कसिंग टू इंक्लूड टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन इन द मूवी, पर क्योंकि टॉम क्रूज अवेलेबल नहीं थे टू प्ले सुपीरियर आयरन मैन, इसलिए उन्हें मूवी में ऐड नहीं किया गया। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखी, आप जाकर देख सकते हो। और सिमिलर सिचुएशन डेडपुल के साथ भी था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर्स ने कंफर्म किया कि दे वर डिस्कसिंग टू इंक्लूड डेडपुल आल्सो इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, पर उनको ये सारे प्लान्स स्क्रैप करने पड़े। अब मार्वल ने ऐसा क्यों किया ये कहना मुश्किल है, और मार्वल ने क्यों डेडपुल को, सुपीरियर आयरन मैन को या फिर बाकी सारे रूमर्ड कैमियोस को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंक्लूड क्यों नहीं किया ये कहना मुश्किल है। पर जितने भी रूमर्ड कैमियोस आपने सुने थे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होने वाले हैं, वो सारे कैमियोस एक्चुअली में ऑफिशियली मार्वल के अंदर भी डिस्कस हो रहे थे। इसलिए जितने भी रूमर्स इस मूवी से पहले निकल के आ रहे थे कि ये करेक्टर हमें इस मूवी में देखने वाला है, वो करेक्टर इस मूवी में देखने वाला है, वो सारे रूमर्स मोस्ट प्रोबेबली सही थे। बाकी भले ही डेडपुल आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने नहीं मिला, पर डेडपुल 3 पे काम मार्वल के अंदर चल रहा है और डेडपुल 3 मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2024 में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर्स ने यह भी कंफर्म किया कि एमसीयू का नेक्स्ट बिग विलन कौन होने वाला है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर्स ने कहा कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर मार्वल अपने कॉस्मिक साइड को बढ़ा रहा था, इसलिए मार्वल का मेन विलन एक कॉस्मिक थ्रेट था, एके थैनोस था। फेज 4 के अंदर मार्वल अपने मल्टीवर्स को बढ़ा रहा है, इसलिए मार्वल के फेज 4 और फेज 5 का विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है, और इनकर्जन भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है मार्वल के फेज 4 और फेज 5 के अंदर। सो बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का राइटर्स टीज कर रहे हैं कि मार्वल का फेज 4 और मार्वल का फेज 5 मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ बिल्डअप कर रहा है, और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स क्या है, इनकर्जन क्या है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाकर रखी है। तो अगर आपको एवेंजर्स 5 और इनकर्जन के बारे में और भी जानना है तो आप उन सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल रहा होगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अभी 16K सब्सक्राइबर्स पे हूं, लेट्स एम फॉर 16.5K सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।